आरोप प्रत्यारोपों के साथ दुकानों को खोलने का रोस्टर प्लान संशोधित। कस्बा गोवर्धन में व्यापार मंडल और प्रशासन द्वारा दुकानों को खोलने के रोस्टर प्लान से कस्बे के व्यापारियों में अच्छी खासी नाराजगी चली आ रही थी, जिसके चलते व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और व्यापारियों ने पुनः SDM राहुल यादव और क्षेत्राधिकारी जितेंद्र कुमार सिंह को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। वहीं गोवर्धन व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष संजू लाला जी ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि रोस्टर प्लान बनाते समय प्रशासन ने स्थानीय व्यापारी नेताओं से सलाह मशवरा किए बगैर उसे लागू कर दिया, जिसकी वजह से व्यापारियों के सामने दुकानें खोलने की समस्याएं आ रही हैं। साथ ही उन्होंने संशोधित प्लान भी अधिकारियों के सामने रखा। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता मनीष लंबरदार ने व्यापारी नेताओं के साथ सवाल किया कि जब प्रशासन ये प्लान बना लागू कर रहा था, तभी आपने इसका विरोध क्यों नहीं किया। हालांकि उन्होंने जिम्मेदारी लेते हुए प्रशासन से ये भी अपील की कि अगर प्रशासन उन्हें 2 दिन का वक्त दे तो वह व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ मिलकर कड़ाई से दुकानदारों से तथा ग्राहकों से लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करा सकते हैं। इस बीच क्षेत्राधिकारी गोवर्धन जितेंद्र कुमार ने व्यापारी नेताओं को कुछ विकल्प सुझाए और व्यापारी नेताओं की राय जानी, जिसके बाद व्यापारी नेताओं और प्रशासन की बैठक के बाद संशोधित रोस्टर प्लान पर सहमति बनी। वहीं व्यापार मंडल के तहसील अध्यक्ष गणेश पहलवान और नगर अध्यक्ष संजू लाला जी ने व्यापारी नेताओं के आपसी मतभेद के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि वैचारिक मतभेद हर जगह चलते रहते हैं, लेकिन व्यापारियों के हित के लिए पूरा व्यापार मंडल एक है। आपके द्वारा ये राय रखी गई है कि प्रत्येक दिन दुकानें खुले, ठीक, लेकिन हम ये प्रिविलेज सबको नहीं दे सकते, क्योंकि शासन की ऐसी मंशा है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए आपको एक रोस्टर दिया जा रहा है। उस रोस्टर के अनुसार यदि व्यापारी बंधु तैयार होते हैं, उसके अंदर आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं कि आप अल्टरनेट खोलना चाहते हैं या पट्टी वाइज खोलना चाहते हैं या सड़क वाइज खोलना चाहते हैं या लैंड वाइज करना चाहते हैं। उसके अंदर से आपको चूज करना है कि आप कौन सी व्यवस्था चाहते हैं, क्योंकि अब वो स्थिति नहीं है लॉकडाउन के तहत कि आप ये कह पाए कि हम प्रत्येक दिन खोलेंगे। क्योंकि शासन रेड जोन और ग्रीन जोन का भी सिस्टम है, हमारा क्षेत्र कम से कम ग्रीन जोन में, मैं मान रहा हूँ ग्रीन जोन में है, लेकिन कब तक ग्रीन जोन में है ये कोई नहीं कह सकता है। इसके लिए आप जिम्मेवार नागरिक होते हुए इस चीज का जिम्मेवारी नहीं लेंगे कि हमारे यहाँ कोरोना हो ही नहीं सकता। नहीं, बिल्कुल होने का संभावना पूरे उत्तर प्रदेश में 6,000 के आसपास वो आ रहा है, 7,000 हो गया। अभी एक मशवरा ये है कि जैसे कि बहुत से लोगों ने लेफ्ट और राइट के लिए अपनी सहमति जताई है, इससे अच्छा ऑप्शन हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि ये लॉकडाउन का समय है। अगर लॉकडाउन ना होता तब आपकी मर्जी थी, जैसा चाहे वैसा आप खोल लेते। कुछ व्यापारियों ने, शौक वालों ने ये कहा है कि साहब 7 से 12 बजे ही रखा जाए, 4 बजे तक क्या औचित्य है। 4 बजे तक औचित्य ये है, पब्लिक को सहूलियत है, दुकानदारों को सहूलियत नहीं है। दुकानदारों की सहूलियत इतनी है कि हम 12 बजे तक अपना दुकानदारी करें, झटपट करें, जैसे तैसे करें, दुकान शटर बंद करें और चलें। अभी जो अधिकारियों के साथ में व्यापार मंडल के पदाधिकारियों की और व्यापारियों की जो मीटिंग हुई है, उसमें क्या निष्कर्ष निकल कर आया? व्यापारियों ने, सभी व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने अनुरोध किया था प्रशासन से कि ये दुकानें सभी डेली 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 सब दुकानें खुलें, और जिससे कि क्या है, भीड़ का कम दबाव रहे और सोशल डिस्टेंस का भी पालन हो सके। लेकिन अधिकारियों ने ये बात को नहीं हमारी स्वीकार किया, बोले ये शासन का आदेश है, रोस्टर विधि से ही दुकानें खुलेंगी। उसमें हमसे संशोधन मांगा है और हमने वो संशोधन, क्या संशोधन आपने, क्या संशोधन आपने प्रस्तुत किया है? उसमें हमने संशोधन ये किया है कि जो मिश्रित दुकानें थी उनको लगभग एक जगह रखा है, और उसमें लगभग मेरी समझ में कि 99% दुकानदार उससे संतुष्ट होंगे। और दूसरा, हमने जो रिपेयरिंग का जो उसका कार्य करते हैं, जो मजदूरी का काम करते हैं, उनको डेली के लिए बोला है सभी SDM महोदय से और CO महोदय से, और पान की दुकानें हैं उनके लिए भी बोला है, चाय की दुकानें हैं उनके लिए भी बोला है। और उन्होंने ये कहा है कि यदि कोई वहाँ थूकेगा और स्मोकिंग करेगा तो हम दुकानदार का और उस ग्राहक का चालान करेंगे, और लेकिन इस नियमों से यदि चलेंगे तो वो खोल सकते हैं। तो आगे उनकी मर्जी है, वो क्या किस तरीके से इस प्लान को बनाते हैं। धन्यवाद।
अध्यक्ष जी, आज यहाँ पर व्यापार मंडल की पदाधिकारियों की बैठक हुई है प्रशासन के साथ में, क्या निर्णय लिया गया है और क्या उसका निष्कर्ष निकल कर आया? जो पुराना रोस्टर माननीय उपजिलाधिकारी के आदेश से जारी हुआ था उसको संशोधन कराने की कोशिश की है, क्योंकि कुछ रोस्टर जो एक दिन छोड़कर एक दिन में जो आ रहा था उसमें सही नहीं था, क्योंकि एक एक दुकान में दो तीन तीन तरह का सामान रखा है, उसको एक ही बॉक्स में लाके इनको एक ही दिन दिया जा रहा है, जिससे बाजार में आपस में व्यापारियों में मतभेद ना हो, क्योंकि हर व्यापारी के यहाँ दो दो तीन तीन तरह का सामान है, उनका एक ही दिन तय किया जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा जैसे अभी देखने को मिला कुछ व्यापारी नेता आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आए, क्या कहेंगे? गुट हैं व्यापारियों के यहाँ? ऐसा कुछ नहीं है, कोई गुट नहीं है यहाँ पे और ना कोई ऐसा आरोप प्रत्यारोप है, ये सब आपस में बैठ कर सुलझा लेंगे, और ये तो हर परिवार में भी झगड़ा होता है, ऐसी कोई बात नहीं है, चलता रहता है।